हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ होली एंजल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट फिट एंड फाइन एंड ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल टू। एंड आई होप दैट कि आप सभी लोगों ने पिछली 4 वीडियोस का काम भी पूरा कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम टू द 5th पार्ट ऑफ द वीडियो। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर फॉर द डिवीजन। तो इस वीडियो को भी आप ध्यान से सुने, समझें और देखें और इससे सीखें और फिर उसके बाद अपनी अपनी एक्सरसाइज इस काम को पूरा करने के बाद नोटबुक्स में करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेयर इट इज। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन्स। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम एक होल नंबर लें और उसको किसी दूसरे होल नंबर से डिवाइड करें तो उसका जो क्वोशेंट आएगा, मीन्स उसका जो रिजल्ट आएगा, वो हमेशा होल नंबर नहीं होता है। क्वोशेंट होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो द सेट ऑफ होल नंबर्स इज नॉट क्लोज अंडर डिविजन। इसलिए होल नंबर्स का सेट डिविजन के लिए क्लोज नहीं है। इन जनरल वी कैन से दैट इफ ए एंड बी, और बी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, आर एनी टू होल नंबर्स। अगर ए और बी कोई भी दो होल नंबर्स हैं, देन ए डिवाइडेड बाई बी और ए अपॉन बी इज नॉट नेसेसरली अ होल नंबर। अगर ए और बी दो होल नंबर्स हैं तो ए को बी से डिवाइड करने पर जो क्वोशेंट आएगा वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, डिवीजन बाय आइडेंटिकल नंबर। अ होल नंबर डिवाइडेड बाय द सेम होल नंबर गिव्स द रिजल्ट 1। अगर किसी भी होल नंबर को उसी होल नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका क्वोशेंट हमेशा 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल, 15 डिवाइडेड बाई 15 गिव्स 1, 20 डिवाइडेड बाई 20 गिव्स 1, 13 डिवाइडेड बाई 13 गिव्स 1। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी होल नंबर को उसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। इन जनरल इफ ए इज़ अ नॉन जीरो होल नंबर, देन ए डिवाइडेड बाई ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 3, डिवीजन ऑफ ज़ीरो। लेट अस डिवाइड 0 बाय 10। डिवाइडिंग 0 बाय 10 इज़ द सेम एज फाइंडिंग नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 10 गिव्स अस 0। ऑब्वियसली इट इज़ 0। अगर हम 0 को 10 से डिवाइड करें तो इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको कि अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्ट 0 आए। तो ऑब्वियसली वो नंबर 0 ही होगा, क्योंकि 10 0 जा 0 ही होता है। सो वी कैन से दैट इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी होल नंबर द क्वोशेंट इज ऑलवेज 0। यानी कि अगर 0 को किसी भी होल नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही होता है। इन जनरल 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो होल नंबर इज 0। 0 को अगर किसी भी नॉन जीरो होल नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही होता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 4, डिवीजन बाय 0। नाउ अगर किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो हमें उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इट इज एन एंडलेस प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम दैट होल नंबर। ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा। सो वी कैन से दैट 5 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट इज नॉट डिफाइंड। इन जनरल डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर हम किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। इट इज नॉट डिफाइंड।
नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि है डिवीजन बाय 1। अगर हम किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट वही होल नंबर होता है जिसको 1 से डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, 4 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स अस 4। सिमिलरली 15 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स अस 15। 13 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स अस 13। 12 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स अस 12। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी ऑब्जर्व दैट अ होल नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट वही होल नंबर होता है जिसको 1 से डिवाइड किया गया है। इन जनरल वी कैन से दैट इफ ए इज अ होल नंबर देन ए डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज गिव्स अस ए। ए को अगर 1 से डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट ए ही होगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, डिवाइड 31780 बाई 254 एंड चेक द रिजल्ट बाई डिवीजन एल्गोरिदम। नाउ इसका सॉल्यूशन, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 31780 को 254 से डिवाइड करना है, फिर बाद में उसके रिजल्ट को डिवीजन एल्गोरिदम से चेक करना है। तो अगर हम 31780 को 254 यानी कि 254 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वोशेंट मिलेगा 125 और रिमाइंडर मिलेगा 30। यहाँ पर अपने डिवीजन के रिजल्ट को चेक करने के लिए जो हम डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे वो होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर वो नंबर होता है जिससे कि हम डिवाइड कर रहे हैं, जो कि है 254। डिविडेंड वो नंबर होता है जिसको कि डिवाइड किया गया है, और यहाँ पर हमारा डिविडेंड है 31780। क्वोशेंट वो नंबर होता है जो डिवीजन के सबसे ऊपर आया है, जो कि है 125, और रिमाइंडर वो नंबर है जो सबसे नीचे डिवीजन करने के बाद आया है, दैट इज 30। तो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू डिविडेंड। तो डिवाइजर था 254 मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट था 125 प्लस रिमाइंडर जो कि है 30। 254 को 125 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बॉडमास के रूल से मल्टीप्लाई पहले किया जाता है और बाद में नंबर को ऐड किया जाएगा। तो 254 और 125 को मल्टीप्लाई करके आएगा 31750, और इसमें हम रिमाइंडर जोड़ देंगे जो कि है 30, तो हमको मिलेगा रिजल्ट 31780 जो कि डिविडेंड के बराबर है। अगर हमारा रिजल्ट डिविडेंड के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा डिवीजन करेक्ट है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 237। हमें एक ऐसा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो कि 237 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। नाउ इसका सॉल्यूशन, हमें मालूम है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 99999। नाउ वी डिवाइड 99999 बाई 237 एंड फाइंड द रिमाइंडर। 99999 को 237 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो 421 टाइम्स डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर आएगा डिवीजन का वो आएगा 222। नाउ जो रिमाइंडर आया है उसको डिविडेंड से माइनस कर दें, यानी कि 99999 से। तो 99999 से 222 को माइनस करके हमारा रिजल्ट आया 99777। सो 99777 इज द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 237। यानी कि 99777 ही वो लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर है जो कि 237 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3,
फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 1000 सो दैट 55 एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम। हमें एक ऐसा छोटा नंबर ढूंढना है जिसको कि हम 1000 में ऐड कर दें तो वो 55 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसके सॉल्यूशन में क्या करना है, 1000 को डिवाइड करें 55 से और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करें। 1000 को 55 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर आएगा 10। नाउ इस रिमाइंडर को डिवाइजर से माइनस कर दें। हमारा डिवाइजर था 55 और इसमें रिमाइंडर 10 माइनस करने पर हमको मिलेगा 45। नाउ अब जो ये रिजल्ट आया है 45, इसको डिविडेंड में जोड़ दें। डिविडेंड था हमारा 1000 और उसमें 45 जोड़ने पर हमको मिलेगा 1045। यही 1045 वो नंबर है जो कि 55 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर हमारा जो लीस्ट नंबर है जो कि हमें 1000 में ऐड करना था वो होगा 45। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे एंड नाउ आई होप दैट यू आर रेडी टू डू द एक्सरसाइज 2.5। तो चलिए एक्सरसाइज 2.5 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट, 16 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड, 124 डिवाइडेड बाई 8 divided by 16 is equal to 1. Number third, if x is any whole number then x divided by 1 is equal to x. Fourth, 50 divided by 0 is equal to 0. Fifth, 0 divided by 18 is equal to 0. Sixth, if x is any whole number then x divided by x is equal to 1. Now question number 2, find the quotient. Number first, 215 divided by 1. Number 2, 0 divided by 42. Number 3, 136 divided by 136. Number 4, 360 divided by 1. Number 5, 0 divided by 240. And number 6, 154 divided by 0. Now question number 3, divide and check the result by division algorithm. Number first, 4050 divided by 81. Number 2, 45716 divided by 75. And number 3, 82035 divided by 345. Now question number 4, the product of two numbers is 83544. If one of the number is 354, find the other. Now question number 5, a number is divided by 426. If the remainder and the quotient are 35 and 128 respectively, find the number. Question number 6. Find the least 4-digit number which is exactly divisible by 54. Question number 7. Find the largest 5-digit number which is completely divisible by 81. Question number 8. Find the number which when divided by 85 gives a quotient 15 and remainder 28. Question number 9. Is there a whole number x such that x divided by x is equal to 1? Is there any whole number for which this relation does not hold? Question number 10. Which least 6-digit number is exactly divisible by 150? Question number 11. On dividing 48624 by 297, the remainder is 213. Find the quotient.
डियर स्टूडेंट्स, ये जितना भी काम यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है, ये सारा का सारा काम फेयर कॉपी में आपको करना है। एक्सरसाइज से पहले ये सभी काम होना चाहिए, और एक बार एज ए क्लास वर्क एंड उसके नेक्स्ट दिन एज ए होमवर्क, एंड सेम फॉर द एक्सरसाइज, वन टाइम एज ए क्लास वर्क एंड वन टाइम एज ए होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे और आप इस वीडियो से अपना काम करें, होमवर्क करें, क्लास वर्क करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे सेफ एंड हेल्दी एट होम, कीप मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसेस एंड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। गुड लक फ्रॉम योर मैथ्स टीचर राज सक्सेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।